नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। शहर के गर्ल्स कॉलेज में परीक्षा देने आई एक छात्रा की स्कूटी से 10,000 रुपयों से भरा एक बैग लापता हो गया है। स्कूटी के बॉक्स में उसने अपना बैग और मोबाइल रखा था, जिसे स्कूटी के इस बॉक्स से निकाल लिया गया। ये घटना सीसीटीवी कैमरों में भी कुछ हद तक दिखी है, लेकिन गर्ल्स कॉलेज में सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। छात्रा का नाम सपना यादव है, जो ग्राम पहरा से गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने आती है। बीए की छात्रा सपना जब बीते रोज यहां परीक्षा देने आई थी, इसी दौरान उसने बाहर अपनी स्कूटी रख दी, जिससे ये चोरी की घटना सामने आई है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि पिछले दिनों सुरक्षा की दृष्टि से यहां 2 महिला कांस्टेबल तैनात कर दी गई थी, लेकिन चुनाव के वक्त उनको हटा लिया गया। तब से कोई भी सुरक्षा के इंतजाम गर्ल्स कॉलेज में नहीं है। पेपर दे के जैसे ही हम बाहर आए, हमने डिग्गी खोली, उसमें हमारा बैग था ही नहीं। बैग में हमारा मोबाइल था, हमारी कॉलेज की फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और 2 पर्स रखे हुए थे। एक पर्स में 10,000 रुपये थे और दूसरे पर्स में 250-250 रुपये डले हुए थे। पूरा बैग ही चोरी हो गया है। जैसे ही डिग्गी खोली तो बैग नहीं था। गाड़ी कहाँ रखी थी? कॉलेज के कैंपस के अंदर रखी थी कि बाहर रखी थी? गाड़ी कॉलेज कैंपस के अंदर रखी थी। पेपर 9 बजे से था, उसके बाद 12:15 पर आए हम गाड़ी के पास में। परीक्षा के दौरान छात्रा ने अपना बैग स्कूटी की डिक्की में डाल दिया था और उसने परीक्षा हॉल में अपना बैग नहीं रखा है, जहां हमने सुरक्षा की व्यवस्था कर रखी थी, और उसने डिक्की में रख के वहां पेड़ के नीचे रख दिया और वहां से उसकी डिक्की खोल के किसी ने उसका बैग निकाल लिया है। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉर्नर में स्कूटी होने के कारण और कपड़ा मुंह पे बांधे होने के कारण क्लियर पता नहीं चल रहा है कि किसने निकाला है। छात्रा से मैंने कह दिया है कि वो अपना आवेदन दे दे और मैं उस बारे में कार्यवाही करूँगी। हाँ, 2 लेडी पुलिस लगी रहती थी, लेकिन चुनाव के दौरान वो चुनाव कार्य में वहाँ ड्यूटी में लग गई थी और कॉलेज कैंपस में तब से नहीं आई हैं, नहीं तो वो दरवाजे पर बैठी रहती थी। और परीक्षा के दौरान कुछ आउटसाइडर लोगों का भी अंदर, पेरेंट्स का बच्चों को छोड़ने के लिए, लेने के लिए आना जाना होता है, इसलिए इस तरह समझ में नहीं आया कि किसने आके बैग वगैरह निकाल लिया। हमारी बच्ची है सपना यादव, वो कल एग्ज़ाम देने आई सुबह 9 बजे, तो उसने पहले पढ़ती रही, इसके बाद 2 लड़कियाँ और सहेलियाँ थी, उनको बताया कि हम अपना मोबाइल और पर्स डिग्गी में रखा है, इसके बाद आ रहे हैं, तो वो डिग्गी में रख दिया उसने अपना मोबाइल, पूरा बैग, डॉक्यूमेंट्स, पैसा भी थे उसमें, और एग्ज़ाम देने चली गई। और इसके बाद जब लौट के आई तो उसमें डिग्गी खोल के, लॉक भी थी डिग्गी, और खोल के पूरा कुछ नहीं मिला, पूरा बैग ही गायब हो गया। और यहाँ पे मैडम से बात की, और ये आए दिन इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं, जो कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही है। इनको जैसे जो बाहरी व्यक्ति आते हैं तो उनके लिए कम से कम एक पूछताछ होना चाहिए। गर्ल्स कॉलेज है, एक सेपरेट है, तो यहाँ पे कम से कम अगर कोई जेंट्स आता है, लड़के आते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ इंक्वायरी का सिस्टम बैठाना चाहिए। कल और भी एक घटना सुने सामने आई है, कोई लड़की भाग गई है। अगर यहाँ पे इनका प्रबंधन ठीक ठाक होता तो इस तरह की घटनाएँ कभी नहीं होती। और सीसीटीवी फुटेज में वो स्पष्ट दिख रहा है लड़का को, वो आया और ऐसा कॉन्फिडेंट आया कि जैसे उसको पता हो कि ये स्कूटी की डिग्गी में रखा है सब सामान। उसने 2 मिनट में लॉक खोला और लेके चला गया, पूरा सीसीटीवी में ओपन सब दिख रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होता है अगली खबर के साथ।